बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नेक्स्ट टॉपिक है द वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप। तो अब पैरेलल पाइप का वॉल्यूम निकालने से पहले पता होना चाहिए कि पैरेलल पाइप होती क्या है। तो क्यूब से बताती हूँ, कॉन्सेप्ट आपको देती हूँ। क्यूब कहते हैं एक ऐसी थ्री डायमेंशनल शेप जिसके सिक्स के सिक्स फेसेस जो हैं ये स्क्वायर के फॉर्म में हों, जिस तरह से लूडो का दाना होता है, ठीक है, बिल्कुल इस जैसी शेप जिसके ये सिक्स फेसेस जो हैं वो स्क्वायर के फॉर्म में हो। इन फेसेस का आपस में हर फेस का दूसरे फेस के साथ जो है, देखें एक ये है और एक ये है, इसी तरह से एक नीचे है फेस, एक इसका ऊपर है, किस साइड पे है और एक इसके पीछे है, ये सारे फेसेस जो हैं स्क्वायर होंगे, एक जैसे स्क्वायर होंगे और सबका आपस में एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा। यही अगर शेप थोड़ी सी इनमें स्क्वायर ना हो एंगल, लेकिन 90 के बने, जिस तरह से कह लें जूते का एक डिब्बा है, उस तरह की जो शेप होगी दैट विल बी क्यूबॉइड। ठीक है, ये क्यूब है और ये क्यूबॉइड है। इसमें क्या होगा, इसमें देखें ये रेक्टेंगल होगी और इसके ऊपर वाली रेक्टेंगल के इक्वल होगी, जो इस साइड वाली रेक्टेंगल है वो इस साइड वाली रेक्टेंगल के इक्वल होगी, और ये जो आगे एक रेक्टेंगल है ये इस पीछे वाली इस रेक्टेंगल के इक्वल होगी, ये क्यूबॉइड कहलाएगा। जबकि पैरेलल पाइप क्या है, वो इसी क्यूबॉइड के, अगर देखें इसमें क्यूबॉइड में सारे एंगल आपस में 90 90 के हैं, सारे फेसेस के एंगल, जैसे क्यूब पे सारे फेसेस जो है 90 के हैं, जिस तरह जूते का आप डिब्बा देखें इसका हर जो कॉर्नर से एंगल देखेंगे सारे फेसेस का वो 90 डिग्री का बनेगा। तो बिल्कुल इस तरह से ये क्यूबॉइड के अगर जस्ट ये एंगल, इसमें ये रेक्टेंगल्स है, रेक्टेंगल्स की बजाय अगर ये पैरेललोग्राम्स होती, यानी इनमें एंगल 90 के ना होते इन फेसेस के, तो फिर जो हमारे पास डायग्राम बनती वो पैरेललोपाइप होती। देखिए ये इसमें हम बनानी होगी कि ये हमारी पैरेललोग्राम है, देखें ये फ्रंट और बैक वाला फेस बना रही हूँ, ठीक है, ये दोनों एक जैसे होंगे, और जो ये वाली पैरेललोग्राम है ये इस साइड वाली पैरेललोग्राम के इक्वल होगी, और ये जो ऊपर वाली है ये इस नीचे वाली पैरेललोग्राम के इक्वल होगी। दिस फेस टाइप ऑफ फिगर इज कॉल्ड पैरेललोपाइप। ठीक है, ये जो शेप होगी ये थ्री डायमेंशनल शेप्स हैं सारी की सारी, ठीक है, इसमें एंगल 90 के थे लेकिन इसमें एंगल 90 के नहीं होंगे, ये वाला एंगल इसमें इस वाले एंगल के इक्वल होता है और ये वाला एंगल जो है ये इस साइड के इक्वल होता है। ठीक है, ये पैरेललोग्राम्स हैं, इसकी सारी जो साइड्स हैं वो सारी की सारी पैरेललोग्राम्स हैं। पैरेललोग्राम में जैसे ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये एंगल इसके इक्वल होगा और जो यहाँ वाला एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा, और ऑपोजिट फेसेस जो हैं इक्वल होंगे। जैसी ये वाली पैरेललोग्राम है वैसी ही इसकी ये पीछे वाली होगी, जैसे इसके राइट साइड वाली पैरेलोग्राम है वैसे इसकी लेफ्ट साइड पे होगी, जो इसकी अपर पैरेललोग्राम है वो इसकी जो नीचे है लोअर पैरेललोग्राम उसके इक्वल होगी। ठीक है, अब हम आते हैं पैरेललोपाइप के वॉल्यूम की तरफ। अब देखिए हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ी है, वही जो ट्रिपल प्रोडक्ट है एक्चुअली वो पैरेललोपाइप का वॉल्यूम रिप्रेजेंट कर रही है। द ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट U cross V dot W represents the volume of the parallelepiped having, अब इसमें U V और W एक्चुअली है क्या, हैविंग U V एंड W एज इट्स कोटर्मिनस एजेस। कोटर्मिनस एजेस क्या होंगे, जो एक ही वर्टेक्स से स्टार्ट हो रही हूँ, यानी कि कोई से भी हमने थ्री जो है उसके एजेस लेने हैं और जिनके जो है इनिशियल पॉइंट जो है वो सेम है। जैसे देखें ये तो क्यूबॉइड टाइप शेप है ना, देखें इनका जैसे बता दी थी ये वाला एंगल,
ठीक है, ये फेस का एंगल और इस फेस का एंगल देखिए, ये सारे के सारे एंगल 90 के हैं। ये वाला फेस इस फेस के इक्वल है, ये वाला फेस जो है इस फेस के इक्वल है, और अपर फेस लोअर फेस के इक्वल है। ठीक है, ये क्यूबॉइड है, जो पैरेललोपाइड होगी उसमें ये एंगल 90 के नहीं होंगे। ठीक है, और इसमें को टर्मिनस एजेस क्या होंगे, इस वर्टेक्स से स्टार्ट होने वाला एक ये ले लिया जाए, एक ये ले लिया जाए और एक ये ले लिया जाए, या अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो एक इस साइड को और एक यहाँ से नीचे को और एक यहाँ से आगे की तरफ। ठीक है, किसी भी हम एक वर्टेक्स से जो थ्री देखें, ये थ्री हर वर्टेक्स से थ्री जो है ये वेक्टर्स बना सकते हैं, इनके एजिस पे हम वेक्टर्स पोज करेंगे। तो किसी भी एक ही वर्टेक्स से स्टार्ट होने वाले, एक ही एज से स्टार्ट होने वाले को टर्मिनस एजिस कहलाएंगे। एज इट इज सीन फ्रॉम फॉर्मूला दैट यू क्रॉस वी डॉट डब्ल्यू इक्वल्स टू, अब देखिए ये डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, कि किसी भी ये यू क्रॉस वी डॉट डब्ल्यू लेंगे, जबकि भी हम यू डॉट वी लेते हैं तो हम लिखते हैं यू की मैग्नीट्यूड, वी मैग्नीट्यूड एंड कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन यू एंड वी। बिल्कुल इसी वे में हम इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको आपने कंबाइन सोचना है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट है, एक समझे ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर जो है वो भी एक वेक्टर है, तो ये आ जाएगा यू क्रॉस वी, फर्स्ट वन वेक्टर की मैग्नीट्यूड, इसके बाद फिर सेकेंड वन की मैग्नीट्यूड, और फिर इसके बाद में आ जाएगा कॉज ऑफ दी एंगल बिटवीन यू क्रॉस वी एंड डब्ल्यू, सपोज दैट इज थीटा। डायग्राम से आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहले पैरेललोपाइड भी ड्रॉ कर लेती हूँ। अब देखें, अगर हमने देखे यहां से स्टार्ट की, मैं ये एक इस साइड को वेक्टर, इस वाले एच से एक ये वाला वेक्टर और एक इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये पूरी जो साइड है यहाँ तक एंड तक एक वेक्टर है, ये यहाँ से यहाँ तक एक वेक्टर है, इसको मैं ओ कह देती हूँ, एक हमारे पास यू वेक्टर है और एक वी वेक्टर है, सपोज ये हमारे पास यू वेक्टर है और ये जो है हमारे पास वी वेक्टर है, ठीक है, और ये मेरे पास डब्ल्यू वेक्टर है। ठीक है, तो अब जो यू क्रॉस वी मैं लूंगी तो उसका आंसर आपको पता है, हमेशा मैंने बताया था इसकी देखें राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं, जब हम यू से वी की तरफ टर्न करेंगे तो देखें ये परपेंडिकुलर, क्योंकि ये इसकी बेस नीचे जैसे देख लेंगे जमीन की तरफ साइड है तो ये ऊपर की तरफ आ जाएगा इसका क्रॉस प्रोडक्ट, जब हम यू क्रॉस वी लेंगे तो अपवर्ड डायरेक्शन आ जाएगी जो उसके साथ 90 का एंगल बना रही होगी। ठीक है, इस तरह से ये जो यू क्रॉस वी वेक्टर आएगा एक्चुअली वो हमेशा परपेंडिकुलर इस प्लेन के आता है, तो वो इस डायरेक्शन में होगा यू क्रॉस वी का आंसर। अब देखो जो यू क्रॉस वी है इसका और डब्ल्यू का जो एंगल आपस का है, ये वाला एंगल आपने थीटा लिया है, अगर यहाँ से परपेंडिकुलर हम इस यहाँ पे डब्ल्यू खत्म हो रहा है, यहाँ से परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करें तो देखें ये चीज आपकी, जिस तरह से आप ट्राइंगल बनाते हैं ये 90 का एंगल हो, ये थीटा हो, तो आप इसको बेस कहते हैं, इसको आप हाइपोटन्यूज कहते हैं, इसको हम हाइट या आल्टीट्यूड कहते हैं या परपेंडिकुलर भी कहते हैं, और इसको हम कहते हैं हाइपोटन्यूज। ठीक है, तो यहाँ से ये जो इन्होंने लगाई है, ये देखिए ये डब्ल्यू कॉज ऑफ थीटा, डब्ल्यू कॉज ऑफ थीटा ये एक्चुअली इस परपेंडिकुलर की इसकी हाइट बन रही है। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू डब्ल्यू कॉज ऑफ थीटा, या यू कैन से एच इज इक्वल्स टू डब्ल्यू कॉज ऑफ थीटा, या इससे ज्यादा आसानी से आप ये कह सकते हैं कॉज ऑफ थीटा का अगर हमने आंसर निकाला तो वो एच बाय डब्ल्यू से ही निकलेगा। ठीक है, एच बाय डब्ल्यू दिस इज हाइपोटन्यूज एंड दिस इज द बेस। ठीक है, ये कॉज का रिलेशन है, यहां से इसका मतलब है कि
ये अब देखें, अब ये जो यू क्रॉस वी की मैग्नीट्यूड हमारे पास निकली है, एक्चुअली दिस इज द, हमने फॉर्मूला पढ़ा था पिछली एक्सरसाइज में कि जब हम कोई से भी टू कंजेक्टिव देखें ये दिए हुए हों वेक्टर्स, तो ये जो एरिया निकल, ये जो इनकी क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड हम लेते हैं, एक्चुअली वो उस पैरेललोग्राम का एरिया निकलता है। तो ये जो इतना पोर्शन है ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, अगर बेस इस बेस का, और ये उसकी हाइट है, ठीक है। दिस रिप्रेजेंट द यू क्रॉस वी मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट कह लें जो है वेक्टर्स किसी भी एक वर्टेक्स से जो इसके टू वेक्टर्स हैं वो हमने लिए हैं, ये उसका एरिया बन रहा है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड दिस इज हाइट। अब देखें किसी भी चीज का, आपको पता है आपने ये देखे क्यूब का ही निकालना है, तो बेस का एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट कर लेंगे तो उसका वॉल्यूम बन जाएगा। तो ये इस हाइट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एरिया ऑफ बेस को, तो ये वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप बन जाएगा। पैरेलो पाइप। अब देखिए हमने इस साइड को ये जो थी इसको बेस कंसीडर किया था, तो हमारे पास ये हाइट आ रही थी। इसी तरह से अगर मैं ये वाली साइड को बेस कंसीडर करूं तो इस तरह से यहाँ पे ये जो है हाइट इसकी आ जाएगी, और इसी तरह से मैं तीनों फेसेस को डिफरेंट डिफरेंट को लेके जब करूँगी तो मेरा यहाँ पे अगर यू क्रॉस वी आया है तो नेक्स्ट मैं अगर इसकी ये बेस चेंज करके यहाँ से भी बेस ले सकती हूँ यहाँ से भी, तो वी क्रॉस डब्ल्यू डॉट यू आ जाएगा, ठीक है। या फिर इसका आंसर जो है डब्ल्यू क्रॉस यू डॉट वी आ जाएगा, ठीक है। ये सारे के सारे जो आंसर्स हैं, दिस वन आंसर एंड दिस वन आंसर्स आर सेम। तो इसका मतलब है कि कोई से भी कंजेक्टिव अगर हमें को टर्मिनस वेक्टर्स, ठीक है, यानी कि एक ही वर्टेक्स से स्टार्ट, अब ये नहीं करना कि एक ये ले लें तो एक ये ले लें ये, और ये तो सेम आ जाएंगे, ये ले लिया जाए ये ले लिया जाए, बाद में कहें थर्ड ये वाला ले ले, तो इस तरह से आंसर नहीं आएगा। किसी भी एक वर्टेक्स से स्टार्ट होने वाले आपने थ्री वेक्टर जो हैं वो लेने हैं, तो वो हम ले लें। इसका मतलब है कि इन्हें हम किसी भी सिमेट्री में ले लेंगे तो वो वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम भी आपने हमेशा पॉजिटिव ही लेना है क्योंकि वॉल्यूम नेगेटिव नहीं हो सकता। इसमें देखें ये सारे जो है ऑर्डर इसका सेम लिया गया, यू क्रॉस वी डॉट डब्ल्यू, ठीक है, ये वी के बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद यू, ठीक है, आपने ऑर्डर जो है वो सेम ही रखा है इसमें, क्योंकि वॉल्यूम है, अगर नेगेटिव आ भी जाता है तो हम नेगेटिव नहीं लेंगे क्योंकि इसमें हम कोई से भी ले सकते हैं पहले क्रॉस प्रोडक्ट में या डॉट प्रोडक्ट में। आंसर अगर आपका नेगेटिव आता है तो आंसर उसका पॉजिटिव लिया जाएगा क्योंकि वॉल्यूम नेगेटिव नहीं हो सकता। और नेक्स्ट है इसके बाद, अगर वॉल्यूम हमने टेट्राहेड्रन का फाइंड आउट करना होगा तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। फिर टेट्राहेड्रन क्या होती है वो पहले देख लेते हैं। अब ये जो टेट्राहेड्रन है ये फोर फेसेस वाली डायग्राम है, इसका हर फेस एक ट्रायंगल की फॉर्म में होता है। देखें जैसे ये इसकी सपोज ये बेस नीचे ये जमीन पे, देखें ये ट्रायंगल है, तो यहाँ से एक एज ऊपर को जाएगा, यहाँ से ऊपर को जाए और यहाँ से, ठीक है। देखें ये तीन, एक ये ट्रायंगल बन रही है, एक इस साइड ट्रायंगल बन रही है, एक पीछे बन रही है और एक ये नीचे, ये जो फिगर है दिस इज टेट्राहेड्रन। अब देखिए इस तरह की ये जो है सिक्स टेट्राहेड्रन जो है वो बनेगी, तो एक वो पैरेलल पार्ट बनेगा। तो इसका आप जस्ट फार्मूला याद कर लें, वैसे तो ये भी उसी तरह से इजीली प्रूव किया जा सकता है ट्रायंगल का एरिया यूज करते हुए। आपने दी वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, this one will be equals to
1 over 6 into volume of parallelepiped. यानी अगर आपने पैरेलल पाइप का एरिया फाइंड आउट करना होगा तो वही हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेंगे इसके को टर्मिनस वेक्टर्स की, और अगर हमने वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन लेना होगा और आपको ये थ्री को टर्मिनस जो है वेक्टर्स दिए होंगे तो वो आपने उसके ट्रिपल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के बाद उसको सिक्स के साथ डिवाइड कर देना है. दैट इज इक्वल्स टू 1/6 इंटू यू क्रॉस वी डॉट डब्ल्यू. ठीक है, ऐसे लिख लिया जाए या 1/6 आपको बताया था कि ट्रिपल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम यू वी डब्ल्यू हम इस तरह से भी लिख सकते हैं. इसके बाद प्रॉपर्टीज दी हुई है वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट की, वो हम देख लेते हैं. Properties of triple scalar product. First property है, if U, V, W are coplanar, then the volume of parallelepiped so formed is zero. यानी अगर ये तीनों वेक्टर जो हमने कोटर्मिनस वेक्टर्स लिए थे किसी एक ही एज से हमने लिए थे, अगर ये को प्लेनर हो यानी एक ही प्लेन हो, जैसे कि मैंने आपको बताया, देखें एक प्लेन में नहीं होंगे ये, अगर क्यूब वगैरह जैसे ले रहे हैं, देखें ये एक ये प्लेन है इसका, एक ये प्लेन है और एक ये नीचे प्लेन है. अगर देखें ये और ये कह लें एक प्लेन में आ सकते हैं, लेकिन अगर ये थर्ड भी इसी प्लेन में आ गया तो फिर ये प्लेन बनेगा. ये देखें जैसे ये दो नीचे वाले दो हैं, ये दो नीचे वाले हैं, और ऊपर को अगर ये वेक्टर ना हो, ये भी इसके ऊपर ही होगा, तो जाहिर है फिर इससे कोई पैरेललोपाइप्ड ही नहीं बनेगी. अगर थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स होंगे तो फिर पैरेललोपाइप्ड बनेगी, अगर थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स नहीं होंगे तो फिर पैरेललोपाइप्ड ही नहीं बनेगी, इसलिए उसका वॉल्यूम जो है वो ज़ीरो आएगा. दैट इज़ द वेक्टर्स यू वी एंड डब्ल्यू आर कोप्लेनर इफ़ एंड ओनली इफ यू क्रॉस वी डॉट डब्ल्यू इक्वल्स टू ज़ीरो. ठीक है, ये जो सिंबल है इफ़ एंड ओनली इफ़ की है, इसका मतलब ये होता है अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो तो यहाँ से हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं, या ये रिजल्ट हम ये ट्रू लें तो वहाँ से ये हम बात कह सकते हैं, स्टेटमेंट कह सकते हैं, यहाँ से ये रिजल्ट नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, कि यानी अगर आपका कहीं भी रिजल्ट यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू का जीरो आता है तो हम कह सकते हैं कि तीनों वेक्टर कोप्लेनर हैं, या तीनों वेक्टर कोप्लेनर दे दिया जाए तो लाजमी बात है कि उनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर जो है ये ज़ीरो आएगा. सेकेंड प्रॉपर्टी है, इफ़ एनी टू वैक्टर ऑफ ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट आर इक्वल दैन इट्स वैल्यू इज ज़ीरो. यानी जब भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ली जाए और उसमें एक ही वेक्टर रिपीट हो जाए, एक वेक्टर दो दफ़ा आ जाए, जैसे देखिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में यू दो दफ़ा आ रहा है, ठीक है, इस वाले में वी जो है वो दो दफ़ा आ रहा है, कोई एक वेक्टर रिपीट हो जाए अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, तो तब भी इस ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर जो है ये, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर जो है ये ज़ीरो आ जाता है. ठीक है, ये आप इजीली प्रूव भी कर सकते हैं.